दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको जो है अपना ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जो है जानकारी नहीं है कि ITM OTM ITM क्या होते हैं, या फिर आप अपना जो अपना स्ट्राइक प्राइस कौन सा सही स्ट्राइक प्राइस होता है उसको सेलेक्ट करने में आपको जो दिक्कत हो रही है, सलेक्शन करने में दिक्कत हो रही है, ताकि जो आप अगर सही स्ट्राइक प्राइस नहीं चूज कर पा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट तरीका बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप अपना जो है सलेक्शन करेंगे स्ट्राइक प्राइस का, या फिर ATM ITM OTM क्या होता है, जैसे कि इन द मनी क्या होते हैं, आउट ऑफ द मनी क्या होते हैं, वो सारी चीजें क्या हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती हैं, उसका क्या यूज है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। बने दोस्तों इस वीडियो में, देखिए और सीखिए। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं, आगे की जानकारी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना जो यहाँ पे अपना ऑप्शन चेन अपना खोल लिया है, जो कि मैं अपना एंजल ब्रोकिंग अपना यूज़ करता हूँ। इसमें मैं आपको लैपटॉप में आपको बता रहा हूँ, आप मोबाइल में भी सेम चीज़ वही होता है, मोबाइल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अब हम चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपको एक स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर LTP प्राइस आपको देखने को मिल रहा है जो कि कॉल साइड का है, और यहाँ पर पुट साइड का जो आपका LTP प्राइस आपको यहाँ पर बगल में देखने को मिल रहा है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इन द मनी और आउट द मनी एट द मनी क्या होता है, पहले मैं हम ये सीख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे इन द मनी का मतलब ये होता है, जो आपका जो प्राइस यानी जो आपका जो प्रीमियम यानी कॉल साइड का जो इन द मनी का मतलब, इसका मतलब ये है एट द मनी के ऊपर का जो भी प्राइस है, जैसे कि प्रेस एट द मनी का क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे जो करेंट प्राइस आपका चल रहा है, यहाँ के देख सकते हैं यहाँ पे 46,223 रुपये यहाँ पे चल रहा है करेंट प्राइस। तो जो करेंट प्राइस होता है वही एट द मनी, उसी को हम एट द मनी करते हैं। एट द मनी में दोस्तों आपका जो यहाँ पे जो एक होता है टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, तो एट द मनी में आपका जो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम वैल्यू देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इन साइड यहाँ पे इन द मनी का मैं आपको बताऊँ, जैसे ITM OTM ये होता है, जैसे कि अगर आप मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 209 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 46,200 रुपये, इसका मतलब ये आपका ये यहाँ पे कहीं आपका जो एट द मनी का प्राइस चल रहा है, और इसके ऊपर यानी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि इस साइड के आप इधर का डेटा देखेंगे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, जितने ऊपर जाएंगे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें मिलता जाएगा, यानी इन द वैल्यू का इन द मनी का यहाँ पे प्रीमियम देखने को मिलेगा, जिसमें इसका ये प्रीमियम बड़ा हाई होता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हाई होता है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट यहाँ पे जो इसका 43,200 का स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पे LTP यहाँ पे 2970 रुपये इसका प्रीमियम है। तो इसमें दोस्तों आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों इन द मनी में आपको मैं बता दूँ तो टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों देखने को मिलता है। अगर आउट द मनी में आप जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए 46,200 रुपये यहाँ पे आपका स्ट्राइक प्राइस है और आपका एट द मनी यहाँ पे चल रहा है, तो इसके यानी नीचे जब आप जाएंगे यहाँ पे 46,200 के जब नीचे जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं 46,300 यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सारे जो आपको वैल्यू जो मिलेंगे आपके जो आपके LTP वाइज प्राइस मिलेंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं सबका प्रीमियम घटते जा रहा है। तो इसमें दोस्तों आपका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो यहाँ पे आपका जो नीचे के साइड का जो होता है, यानी एट द मनी के नीचे के साइड के जो होते हैं, एट द मनी के बाद से जो भी होते हैं नीचे के साइड, उसका जो सारा कुछ आपका जो प्रीमियम जो है आउट ऑफ द मनी में आते हैं। और जैसे ही एट द मनी के ऊपर आप जाएंगे यहाँ पे दोस्तों देखा है, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे 46,200 चल रहा है, तो इसका मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ इसके ऊपर यानी ये वाला जो प्रीमियम प्राइस है जो 536 रुपये चल रहा है, 603, 669, 738, ये सारे आपके जो है इन द मनी में आपके आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें आपको क्या करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, जो कि आपका जो करंट जो प्राइस चल रहा है उसमें से आपको जो है स्ट्राइक प्राइस माइनस कर देना है। जैसे कि मान लीजिए इसमें आपको ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यहाँ पे दोस्तों 45,900 का आपका ये स्ट्राइक प्राइस है, अब इसका इसका प्रीमियम आपका 687 रुपये है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो करंट प्राइस माइनस आपको स्ट्राइक प्राइस करना है, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे देख लीजिए 46,218 चल रहा है, तो यहाँ पर हम आपको कैलकुलेटर की सहायता से बताते हैं, 46,218 ये हमारा जो करेंट प्राइस हो गया। अब इसके बाद से दोस्तों मैं स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे मैं जैसे कि मान लीजिए 45,800 का निकालना है, तो अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे माइनस 45,800,
45,800। अब इसके बाद इक्वल टू करेंगे तो हमारा देखते हैं कितना हमारा वैल्यू आता है, 418 रुपया। यानी कि आपका जो यहाँ पे 45,000 जो 800 का है, इसमें जो 760 रुपये आपका जो चल रहा है आपका जो है प्रीमियम का प्राइस, तो 760 रुपये में से आपका 418 रुपये जो है आपका इंट्रेंसिक वैल्यू है, जो कि आपको स्क्रीन पर इसका फार्मूला दोस्तों आपको मैं देखने को मिल गया होगा। मैं आपको बताऊँ तो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू का फार्मूला होता है करेंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। करेंट प्राइस आपका क्या है, करेंट प्राइस आपका ये है 46,224 रुपये जो प्रेजेंट में चल रहा है। उसके बाद जो भी स्ट्राइक प्राइस है आप इसको माइनस करते जाएंगे, तो इसमें से जैसे कि जिसके इन द मनी के वैल्यू में जैसे आप जाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे इन द मनी में, उसमें आपको जो है इंट्रेंसिक वैल्यू देखने को मिलेगा। और आउट ऑफ द मनी में आपको इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द मनी में और एट द मनी में आपको जो है इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको आउट ऑफ द मनी में टाइम वैल्यू देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बात करूँ यहाँ पे पुट साइड के, आपका जो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होते हैं, वो सारे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों पुट साइड में जब आप ऊपर के साइड का यहाँ पे इस ये वाला जो एरिया है, इतना दूर का एरिया, इसके ऊपर का जो भी एरिया है, वो आपको यहाँ पे दोस्तों आपको आउट ऑफ द मनी में देखने को मिलेंगे, और इसके नीचे का जो भी आपका एरिया है, यानी जो आपका जो करेंट प्राइस है जो चल रहा है एट द मनी का, उसके नीचे का एरिया, यानी जैसे कि 46,241 चल रहा है, तो हम 46,241 यहाँ पे 46,200 वाले पे हम आते हैं यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ इसके नीचे का जो भी पार्ट है आपका, ये आपका जो है आपका इन द मनी में आपका आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपना इन द मनी और आउट द मनी आपको अब देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया है इन द मनी क्या होता है। यहाँ पे इन द मनी का आपका जो मतलब ये है कि जो आपका जो करेंट प्राइस चल रहा है, यानी एट द मनी के नीचे के जो भी प्राइस हैं, वो आपको जो है आपको आपको इन द मनी में देखने को मिलेंगे, और जो इसके ऊपर के होते हैं उसको आपको जो है आउट ऑफ द मनी देखने को मिलेंगे। आउट ऑफ द मनी ये ऊपर वाला पार्ट है, और इन द मनी आपका ये नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे, जो कि स्ट्राइक प्राइस से नीचे जो एट द मनी करंट प्राइस का नीचे है, उससे नीचे जब होगा तो आपका इन द मनी में पुट साइड में देखने को मिलेगा। और वही आपको कॉल साइड में देखना है तो एट द मनी के ऊपर वाला आपको देखना है, तो वो इन द मनी आपका आएगा, ना कि आपको नीचे वाला। इसमें दोनों डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप जैसे कि कॉल साइड का जब देखेंगे आप अपना स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम, तो उसका एट द मनी के ऊपर वाला जो प्राइस होगा वो आपका इन द मनी होगा, एट द मनी के नीचे वाला जो प्राइस होगा वो आपका आउट ऑफ द मनी होगा। और इसी तरीके से अगर आप पुट साइड का जब देखेंगे, तो पुट साइड में आपका जो एट द मनी के नीचे वाला जो प्राइस होगा, जो प्रीमियम प्राइस होंगे, वो सब इन द मनी में आएंगे, और एट द मनी के ऊपर वाला जो प्राइस होगा वो आउट ऑफ द मनी, यानी करंट प्राइस से ऊपर जो भी होगा वो आपका आउट ऑफ द मनी में आपका आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस वीडियो में जाना कि आपका इन द मनी क्या है, और आउट ऑफ द मनी क्या है, एट ऑफ द मनी क्या है, और आप अपना जो प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि अगर आपको जैसे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए, ये हम जान लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर आप जैसे कि अगर या तो आप एट द मनी के जो प्राइस हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में जैसे आपका जो प्रीमियम डी के होता है, और ये प्रीमियम डी के क्यों होता है, वो आपका ग्रीक्स के वजह होता है, ऑप्शन ग्रीक्स के वजह से, जिसमें आपका बीटा, अल्फ़ा, थीटा, अल्फ़ा, गामा, ये सारी चीज़ें आपको आते हैं, उसके वजह से आपका जो आपका प्रीमियम डीके होता है और इंक्रीज भी होता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि आपका जो ग्रिक्स है उसमें जो थीटा का क्या आपका जो है आपका रोल है, उसका थीटा का क्या रोल है वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्यों प्रीमियम डीके होता है और कितना डीके होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अब जाना कि अब दोस्तों जैसे कि अगर आप आउट ऑफ द मनी के अगर प्राइस प्रीमियम चूज़ करते हैं, तो उसमें दोस्तों आपको जो घाटा बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों वो प्रीमियम जो है उसमें आपका इंट्रेंसिक वैल्यू होता नहीं है, जिसके वजह से आपका टाइम डीके बहुत तेज़ी से होता है, और प्रीमियम का जो प्राइस है घटते रहता है, बहुत तेज़ी से घटता है। इस नाते आपको जो है अपना जो प्राइस है आपको जो या तो आपका एट द मनी के आप अपना प्रीमियम चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इन द मनी के जो प्राइस है यानी प्रीमियम है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा प्रीमियम बहुत धीरे धीरे आपका डीके होता है टाइम वैल्यू के अपेक्षा, यानी इंटेंसिव वैल्यू जिसमें रहेगा, यानी इन द मनी में आपका जो प्राइस रहेगा, प्रीमियम रहेगा, उसका डीके कम होता है, और जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, यानी आपका इंटेंसिव वैल्यू कुछ भी नहीं रहता, तो उसमें आपका जो है टाइम डीके बहुत तेजी से होता है। तो इस तरीके से हमने जाना दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कौन सा आपको अपना इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होते हैं, टाइम वैल्यू क्या होते हैं, और आपको सही स्ट्राइक प्राइस क्या चूज़ करना है, अपना एलटीपी यानी प्रीमियम प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको क्या चूज़ करना है, वो भी मैंने आपको बताया दोस्तों। इस तरीके से हमने जाना और सीखा कि कैसे आप अपना जो प्रीमियम चूज़ करेंगे। और दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई तो एक लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।